नमस्कार दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए बीएससी पार्ट वन में डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपको बताएंगे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। इसके पहले वाला वीडियो में मैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने का प्रोसेस बता दिया हूँ, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। या इसके साथ साथ बीएससी पार्ट वन में जितने भी मैथ का मैंने वीडियो अपलोड किया है, सब जो है लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, पूरा कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली। क्वेश्चन तो मैं बता दिया, एक और क्वेश्चन बताकर उसको और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी जो है बेसिकली जो है ये एक कर्व का होता है, कर्व का हो सकता है या कोई पैराबोला का हो सकता है या हाइपरबोला का हो सकता है या एनी कोई भी जो है एक लाइन का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए कम से कम एक जो है हमको फैमिली चाहिए। वो फैमिली वक्र कर्व का हो सकता है, सॉरी पैराबोला का, सर्कल का, या आपका स्फेयर का, या हाइपरबोला का, या इलिप्स का, किसी का हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन का, कोई भी का इसको इक्वेशन हो सकता है। देखिए, इन्होंने एक दे रखा है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, जो इन्होंने लिखा है ना हाइपो है ना स्लाइ हाइपो साइक्लो हाइपोसाइक्लॉइड का है ना हाइपोसाइक्लॉइड का हमको जो है इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पता करना है। तो यहाँ पे इसके लिए इन दे रखा है कर्व एक्स के पावर 2/3, वाई के पावर 2/3 और ए के पावर 2/3, ये इसका हमको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पता करना है। तो क्या है इसका पूरा प्रोसेस, देखिए ये दे रखा है, इसका सीधे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पीछे आएगा और पावर में से कम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर -1/3 हो जाएगा। इसी तरह पावर पीछे आएगा, इसमें से 1 कम करेंगे तो -1/3 और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के लिए, इसमें होता क्या है कि dy/dx को चेंज कुछ किया जाता है तभी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकलता है। तो मैं dy/dx को चेंज कर रहा हूँ, dx/dy में माइनस कर देता हूँ, चेंज हो गया। अब बस ये वाला वैल्यू को इसको ऐसे उतार देना है और ये वाला dy/dx को भर देना है dx/dy, ये भर देना है। तो फाइनली आपका यहाँ पे जब भरेंगे तो देख लीजिए क्या होगा, ये माइनस है तो ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और 2/3 कॉमन है तो बाहर अगर कॉमन करके और इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या मिले, एक्स के पावर -1/3, वाई के पावर -1/3 और ये dx/dy मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो इधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा आपका इधर आपका इसको भेजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स को एक तरफ सेपरेट करिएगा वाई को, तो एक्स को सेपरेट किए तो एक्स के पावर 1/3 dx हो जाएगा इसको, और ये आपका हो जाएगा वाई के पावर 1/3 dy हो जाएगा। सेपरेट कर दिए, सेपरेशन वाला देख काम किया गया। अब इसको इंटीग्रेट मारिएगा तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 3^3 = 4 क्या हो जाएगा 3 होगा। अभी पलटी कर दिया गया है तो ये 3/4 हो जाएगा, उसी तरह से इसका करेंगे तो 3/4 = 4/3 तो होगा, लेकिन पलटी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर है और इसमें कांस्टेंट कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट मैं सी जोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है कांस्टेंट के रूप में 3/4 और सी के पावर सॉरी 4/3 लिखा हूँ। अभी इसका मतलब मैं ऐसा क्यों कांस्टेंट जोड़ा हूँ, अभी आप देखिए इसको ऐसे ही रखना है, इसको इधर खींच कर लाना है, इसको ऐसे रखना है। अब देखिए 3/4 दोनों में कॉमन है, बाहर निकलेगा तो ये कॉमन हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, फर्स्ट क्लास का यही होगा। अगर मैं इसको नहीं जोड़ता तो फिर इसको हटा नहीं पाते तो बहुत दिक्कत होता, तो इसको आसानी से निकल गया। अब इसके बाद से ना ये आपका एक्स के पावर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वाई के पावर 4/3 और सी के पावर 4/3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए, उसके बाद ये वाला पार्ट लगाइए, उसके बाद से सीधे सिंप्लीफाई कर दीजिए, मतलब कहने का मतलब इंटीग्रेट मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। एक लाइक से बहुत सारा एनर्जी आता है, यानी कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी किया करिए। वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं,
तो लाइक भी किया करिए। और मैं जो है अभी बीएससी पार्ट वन का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसी तरह से बीएससी पार्ट टू का, बीएससी पार्ट थ्री का, तीनों का वीडियो मैं बिल्कुल मैथ का क्रम से दूंगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और क्रम से मेरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको